आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास Realme Pad X है एंड इसमें अगर आपको OTG की दिक्कत आती है, OTG कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे जानेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो Realme Pad X में अगर आपको OTG से रिलेटेड दिक्कत है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको करनी होती है। जब आप OTG कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन में, तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये यहाँ पर बेसिकली अलग अलग ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिस्टम में चले जाना है, लास्ट में आपको सिस्टम मिलता है, और यहाँ पर एडवांस में आपको आकर जो है यहाँ पर देखिए OTG लिखा है, तो OTG कनेक्शन को आपको पहले इनेबल करना होगा। अगर मान लीजिए ये OTG कनेक्शन आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप सर्च करेंगे ऊपर सर्च बार में OTG, जस्ट OTG लिखेंगे। जैसे आप OTG लिखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इसको आपको इनेबल करना है। देन आप देखोगे कि आपका OTG काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें कर रखी है, फिर भी आपका OTG पकड़ नहीं पा रहा, OTG दिख नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो OTG कनेक्ट कर रहे हैं वो एक सस्ती OTG है या फिर जो है मतलब सपोर्टेड OTG नहीं है, ठीक है। तो आपको एक अच्छी OTG चाहिए जो कि मतलब आपके डिवाइस को सपोर्ट करे, आपके फोन टैब को जो है सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी एक अच्छी सी OTG ले लेनी है। जैसे मेवी की OTG आती है, MIUI नाम की एक OTG आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए चार्जिंग डिवाइस USB, ठीक है, मतलब USB कनेक्ट हो जाता है, बट आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली USB आपके पास होना चाहिए। आप फ्लिपकार्ट से मेवी की जो OTG है उसे बाय कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी मतलब सही तरीके से चल जाएगी। अगर आपने लोकल मार्केट से ली है तो वो इसके अंदर काम नहीं करेगी।